यार मतलब अपना थोड़ा डर सा लग रहा है, क्यों पता है? क्यों मतलब इतना पढ़ा दे रहे हैं, बड़ा बड़ा डिफिकल्ट कोर्सेस आने लगा है, फिर उम्र भी बढ़ रहा है, अभी 23-26 हुआ, फिर बाद में और ज्यादा उम्र होगा, फिर शादी का उम्र होगा, फिर बीवी आएगी, फिर बच्चा होगा, फिर उस बीवी की पापा मम्मी होंगे, फिर मेरा पापा मम्मी है, कितनों को संभालना होगा, फिर मैं बूढ़ा होगा, फिर मैं बीमार पड़ूंगा, फिर मेरा भी तबीयत देखना है, क्योंकि बच्चों के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते, बहुत सारा कुछ फैक्टर्स रहता है यार, तुम नहीं समझोगे मेरा प्रॉब्लम्स, पता है? मतलब बीवी को भी देखना होता है, बच्चा को भी देखना होता है, उसका पापा मम्मी को भी देखना होता है, मेरा पापा मम्मी को भी देखना होता है, पता है? लिटरली मैं बोझ से दब चुका हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ यार, पता है यार, ये सब तुम अब समझ नहीं पाते हो, एक समय आएगा तभी समझोगे यार, बच्चा बीवी उसके पापा मम्मी तुम्हारे पापा मम्मी तुम्हारे बच्चे, बहुत प्रेशर रहता है भाई, तुम अभी नहीं समझ पाओगे, और मैं समझ पा रहा हूँ यार, अभी एक भी रुपया नहीं है, समझो यार। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, आपके पति, आपके बीवी, आपके बच्चे सबको एक खुशहाल होंगे। तो यार भाई का नया लुक, चिकनी चमेली लुक देख के तो पूरा अब खुशहाल होंगे ना, चिकनी चमेली आहा, छुप के अकेली दुआ चढ़ा के आई हूँ, भाई का नया लुक। यार ये बताओ भाई का कौन सा लुक अच्छा लग रहा है, ये नॉर्मल फॉर्मल शर्ट वाला या ये एम्ब्लेम वाला? जी डॉक्टर अंकित, डॉक्टर अंकित ऑन इमरजेंसी ड्यूटी, डॉक्टर अंकित इमरजेंसी ड्यूटी ओपीडी। ओ भाई अलग अलग यार, तुम्हें खुशी लग रहा है ना, तुम्हें पता है इस व्हाइट कोट के नीचे कितना बोझ है? ओ भाई ये व्हाइट कोट नहीं है बेटा, ये तुम्हारा फ्यूचर है, फ्यूचर 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 ब्रो। पता है यार व्हाइट कोट पहनने का मजा कुछ अलग होता है, और हाथ में खाली हाथ के जगह अगर ये प्यार पकड़ा लिया जाए तो ओहो, डॉक्टर अंकित ऑन बोर्ड ऑन इमरजेंसी ड्यूटी। यार एक सच बात बताओ, मैं पूरा आज हॉट हॉट देसी सेक्सी चिकनी चमेली लुक दिख रहा हूँ ना, सच बताओ? व्हाइट कोट का जलवा है जी, व्हाइट कोट का जलवा, पूरा देसी चिकनी चमेली। पता है यार आपको लोग मुझे क्या बोलते हैं, यार तू पागल हो गया क्या, तू डॉक्टर बनने वाला, ये क्या वीडियो बनाता है भाई, कुछ अच्छा वीडियो बना, कैसे पढ़ते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, मतलब यार एक बात बताओ, जब एक डॉक्टर ऐसा व्लॉग बनाएगा एक मजा नहीं आता है, मतलब एक डॉक्टर बना रहा है भाई, मतलब वो अलग लेवल का आता है, पता है? मतलब ये सब वीडियो कोई भी नहीं बनाता भाई, उसमें मजा आ रहा है, पता है? मतलब एक डॉक्टर, ओह डॉक्टर अंकित व्हाट आर यू डूइंग, पता है? मतलब यार लोग लिटरली हंसते हैं, बोलते हैं अरे एक डॉक्टर बनने वाला है, क्या वीडियो बनाता है, मेरे मम्मी पापा खुद बोलते हैं मैं कैसा बेटा को पैदा किया, पता है आज क्या हुआ? पता है हमारा सीएमई था, सीएमई मतलब एक ऐसा, मतलब बाहर से लोग आएंगे तुम्हें डिस्कस करेंगे टॉपिक्स वगैरह कुछ कुछ चीज के बारे में, तो वहां पे मैं गया तो मेरे टीचर बोल रहे ब्लॉग मत बनाना, ब्लॉग मत बनाना, अरे भाई मैं कुछ गलती कर रहा हूँ क्या? मेरे टीचर्स खुद मुझे बोलते हैं यार क्या ब्लॉग बनाता है, कुछ पढ़ाई का बना, मतलब यार लिटरली यार इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, क्या क्या बोलूं यार। एक सच बात बताइयो, मेरा और ब्लॉगिंग का एक अलग सा रिश्ता है ना, जैसे पति पत्नी का होता है, भाई बहन का होता है, माँ बच्चा का होता है, मैं ब्लॉगिंग के बिना रह नहीं सकता, और ब्लॉगिंग लेकिन मेरे बिना रह सकता यार, ब्लॉगिंग कभी ना मुझे छोड़ के रह जाता है। तो पता है यार लिटरली ऐसा लगता है ना कि ये ब्लॉगिंग क्या है, बस टाइम का वेस्ट है, कुछ फायदा तो है नहीं, फिर फालतू से टाइम वेस्ट होगा, इतना पैसा दिया है फिर वो पैसा भी बर्बाद होगा, क्या फायदा? फिर ना कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ब्लॉगिंग लाइफ इज फुल, ब्लॉगिंग लाइफ इज फुल मेमोरेबल, उसे मेमोरेबल बनाना है, मजा आता है, पता है? इतना डिमोटिवेशन लगता है पर तब भी मोटिवेशन, मोटिवेशन एंड मोटिवेशन। यार तुम्हें पता है जब भी मुझे मोटिवेशन का लैक होता है ना, तब मैं ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ, सच्ची बता रहा हूँ यार, मेरा और ब्लॉगिंग का कनेक्शन ना कुछ अलग लेवल का है, मतलब यार मुझे अच्छा लगता है यार लोगों के साथ मिलना, बात करना, सोचो कितना हेट कॉमेंट्स आएगा, कितना पॉजिटिव कमेंट्स आएगा, कितना लाइक्स, कितना डिसलाइक्स, कितना ट्रेंडिंग, फेम नेम मनी पैसा भाई पैसा पैसा, एक एक दस दस करोड़ मिलेगा तो। यार अभी बज रहा है शाम के 6:05, और अभी हमारा इवनिंग स्नैक्स है, मैंने सोचा क्या खाना है इवनिंग स्नैक्स, मतलब इतना तेल देते हैं ना, मतलब यार मजा नहीं आता उसे खाने में, सच्ची बोल रहा हूँ, बहुत तेल देते हैं यार, इतना तेल खाओगे ना, सच्ची बता रहा हूँ,
यार सच्ची बताऊं तेल थोड़ा ज्यादा लेते हैं, बाकी सब बढ़िया है भाई, सब फर्स्ट क्लास चकाचौंध। बाकी आपको तो पढ़ना है यार। तो आज अपना सीएमई था, सीएमई मतलब बाहर से कुछ फैकल्टीज आएंगे जो आपको बढ़िया बढ़िया नया कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। तो आज हमें मिला कुछ ये चीज और कुछ ये लिख रहा है क्या, क्या लिखा है? हाँ, तो कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीज मिला और एक पेन भी मिला, छोटा सा पेन, बड़ा नहीं। यार तुम लोग चिंता बिल्कुल मत करो यार, मैं वीडियोस पक्का लाऊंगा। वो क्या है ना, मैं अभी जस्ट ब्लॉगिंग में बच्चा हूँ यार, मुझे पता नहीं कैसे ब्लॉगिंग करते हैं, अभी जस्ट सीख रहा हूँ, ठीक है? लेकिन मजा आ रहा है, बिल्कुल मजा आ रहा है। बाकी थोड़ा देर नहीं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि अच्छा ब्लॉगर बनूं भाई, पर पता नहीं क्या होता है, मैं नहीं बन पा रहा यार, मैं लिटरली नहीं बन पा रहा। पता मुझे हंसी आता है ना, इतना हंसी आता है, मुझे बच्चा नहीं लगता भाई, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं वीडियो नहीं ला पाता हूँ, पता नहीं, मुझे हर वक्त डिमोटिवेशन लगता है, मुझे लगता है टाइम वेस्ट है, इसलिए मैं वीडियो नहीं ला पाता। लेकिन मैं आपको सबसे बढ़िया बात बताऊँ, मैं लाऊंगा, जरूर लाऊंगा, और लाऊंगा, पक्का लाऊंगा, सच्ची बता रहा हूँ। तो यार अभी बज रहा है 6:30 और मुझे करना है थोड़ी सी पढ़ाई, फिर मिलता हूँ आपके साथ, तब तक के लिए चुम्मा 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 दिल दिल चुम्मा। डॉक्टर ऐसा करेगा तो सोचो पेशेंट, तो अबे ऐसा मजा आएगा ना पेशेंट को जब डॉक्टर ऐसा होगा, चुम्मा चुम्मा दिल दिल चुम्मा। यार एक बात सच बताओ, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं पागल हो चुका हूँ? तुम चिंता मत करो यार, बस तुम नहीं सोचते हो, मेरे मम्मी पापा घर वाले सब सोचते हैं। मुझे जब से MBBS एडमिशन मिला मैं पागल हो चुका हूँ, मैं पागल हो चुका हूँ मामा, मैं पागल हो चुका हूँ। यार मतलब पहले बार अपने आप को ज्यादा फोकस दे रहा हूँ ना, तो मतलब ऐसा लग रहा है मैं भाई गलत जगह आ गया, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मतलब यार जब आप अपने को फोकस ज्यादा देते हो ना, थोड़ा नर्वस सा लगता है यार, मतलब इतना पढ़ाई है उसमें, फिर मजा है लेकिन बहुत। यार मतलब मेडिकल में इतना कोर्स है ना, एक तो कोर्स खत्म होने का नाम नहीं लेता, फिर दूसरा साला मतलब इतना बड़े बड़े चैप्टर्स पढ़ना पड़ता है, पता है, मतलब बहुत सारा बैकलॉग लगा है भाई, पता नहीं चलता इतना बड़ा बड़ा चैप्टर्स कहाँ से आ जाता है। फिर एक तो व्हाइट कोट मिला, इतना व्हाइट कोट के अंदर मतलब क्या क्या प्लेस बढ़ा है यार, ये नहीं करो वो नहीं करो, ये करो वो करो, और फिर अभी उम्र भी बढ़ रहा है, टेंशन भाई टेंशन, क्योंकि फिर शादी करना होगा, फिर बच्चा, अब मैं ज्यादा सोच रहा हूँ यार। लिटरली यार इतना पढ़ने के बाद भी ना ऐसा लगता है जैसे कि सब कुछ मैं भूल चुका, पता है, मतलब थोड़ा डर सा लग रहा है अंदर से कि क्या होगा कैसे होगा, बहुत डर लगता है यार, मतलब समझ नहीं पाओगे मैं ऊपर से कुछ हूँ अंदर से कुछ हूँ यार। मतलब जब भी मुझे थोड़ा सा भी स्ट्रेस लगता है ना, थोड़ा सा भी कुछ भी ऐसा लगता है कि मुझसे होगा नहीं या फिर क्या, मैं फालतू कर लिया, तो मैं नहा लेता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, मतलब फ्रेश लगता है। हाँ यार कुछ बड़ा करने के लिए तो आए, मजा लगता है, बहुत मजा लगता है, मेरा पढ़ाई भाई पढ़ाई बहुत पढ़ाई है। मतलब अपना थोड़ा डर सा लग रहा है, क्यों पता है, क्यों मतलब इतना पढ़ा दे रहे हैं, बड़ा बड़ा डिफिकल्ट कोर्सेस आने लगा है, फिर उम्र भी बढ़ रहा है, अभी 23-24 हुआ, फिर बाद में और ज़्यादा उम्र होगा, फिर शादी का उम्र होगा, फिर बीवी आएगी, फिर बच्चा होगा, फिर उस बीवी की पापा मम्मी होंगे, फिर मेरा पापा मम्मी है, कितनों को संभालना होगा, फिर मैं बूढ़ा होगा, फिर मैं बीमार पड़ूंगा, फिर मेरा भी तबीयत देखना है क्योंकि बच्चों के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते, बहुत सारा कुछ फैक्टर्स रहता है यार, तुम नहीं समझोगे मेरा प्रॉब्लम्स, पता है, मतलब बीवी को भी देखना होता है, बच्चा को भी देखना होता है, उसका पापा मम्मी को भी देखना होता है, मेरा पापा मम्मी को भी देखना होता है, पता है, लिटरली मैं बोझ से दब चुका हूँ, सच्ची बोल रहा हूँ यार, मतलब यार तो चलता हूँ पढ़ने के लिए क्योंकि यार एक तो ये MBBS खत्म नहीं होता, फिर बच्चा बीवी को संभालने चला है, तो पढ़ते हैं भाई क्योंकि बीवी बच्चे आने वाले हैं, ऑन द वे है भाई, शर्मा गया।
पता है यार ये सब तुम अब समझ नहीं पाते हो, एक समय आएगा तभी समझोगे यार। बच्चा बीबी, उसके पापा मम्मी, तुम्हारे पापा मम्मी, तुम्हारे बच्चे, बहुत प्रेशर रहता है भाई, तुम अभी नहीं समझ पाओगे। और मैं समझ पा रहा हूँ यार, अभी एक भी रुपया नहीं है, समझो यार। यार मैं कर चुका हूँ अपना खाना कंप्लीट, और मैं नहीं चाहता कि कल का ब्लॉग मैं आपको भी इसके साथ मर्च करके दिखा दूं, तो इसलिए आज करता हूँ आज का ब्लॉग कंप्लीट। तो मिलता हूँ कल जी, तब तक के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड नाइट।